हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आप बताइए कैसे हैं? 8 दिन बाद घर में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और 8 दिन से जो आपने घर को संभाला था वो भी देख के अच्छा लगा। अच्छा। आपने मामी ने मिलके दोनों ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के अपना घर को संभाला, सबका ख्याल रखा, उसके लिए दोनों को धन्यवाद। ठीक है ठीक है। और आपके हाथ क्यों लाल हो रखे हैं? ये हाथ? हाँ बताओ। बीट रूट मम्मी। बीट रूट ये देखो, याद ही नहीं रहा मुझे। बीट रूट काट के इन्होंने कैसे छिलके फेंक रखे हैं? अभी सफाई होगी ना। मैं मुझे खुद याद नहीं आ रहा था क्या किया मैंने। बीट रूट काट रहा है ना। मम्मी बना रही हैं क्या? मैं पराठे बना रही हूँ। शेक पी चुके हम सब। और ये रही मैं। शेक पी चुके हम बनाना शेक। मेरे लिए मम्मी ने बनाया था बनाना शेक और मैंने मम्मी के लिए बनाया। मुझे पीना नहीं था बनाना शेक, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ इनका पेट निकल जाता है ना, इसलिए है ना मम्मी। हाँ पेट क्या निकलेगा, मतलब एक ये होता है ना, बनाना खाओ फैटी होता है, फैटी। तो इधर आओ, ये लाइट अजीब सी ब्लिंक हो रही है कैमरे में सिर्फ, वैसे ठीक है? हाँ हो सकता है, थोड़ी सफाई आज अच्छे से करूंगी। हर जगह मुझे थोड़ा कुछ दिख रहा है ना। बीटरूट का अभी जूस बनाऊंगी, पराठे पहले बना देती हूँ आप लोगों के। ठीक है, पराठे। सब्जी क्या बनाई? सब्जी आज बनाई है सीताफल। सही है, ग्रेवी वाली, ऐसे आलू सीताफल का ना। हाँ क्योंकि पापा जी लंच में ले जाते, इसलिए। सही है, बढ़िया। बहुत सारे डब्बे वब्बे में सामान भरा है, काजू बादाम, किशमिश किशमिश मुनक्का, फेग, सब कुछ भर के मम्मी ने किचन में इतना सारा ये बर्तन इकट्ठा किया है प्रियंका दीदी के लिए। आएंगे सब में रख दिया। अब देखो काजू बादाम का अलग अलग, मतलब ये हो जाता है ना कि पैकेट से निकालो तो बेकार ही लगता है, भर दो इसमें। ठीक है, दो चीजें में रख दी, फेग और वो। और आप लोग जल्दी से वो करो, ब्रश व्रश करो। ठीक है, पराठे खाओ। ओके ओके, प्लेन पराठे ही बनाऊंगी घी वाले। ठीक है ओके, तो पलट। मम्मी यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे बन रहा है इस दाल वाले कुकर में चावल डाल दिए मम्मी ने, दाल खाली ही थी वो। और सब्जी है, मॉर्निंग में जो बनाई थी आलू और सीताफल की सब्जी, और दही है आज लंच में, है ना? हाँ बेटा, दही और सलाद क्या भूल जाते हो, वो भी बीट रूट का। ओ कर दो। बेकार होता है ना वो, इसलिए। साफ सफाई। हाँ कोई नहीं, तो मार पसा देती हूँ ना, इसी में रख लेती हूँ। मुझे तो कुकर वाले टेस्टी लगते हैं। बहुत भूख लगी है मम्मी, खाते हैं खाना। चलो खाओ, है ना, प्लेट लगाइए। बिल्कुल लगाती हूँ। और मैं डोलचक को बुलाती हूँ। बुला लो उसे भी। और यहाँ पर दोनों को लग गई थी भूख। क्या लग गई थी भूख? तो क्या किया है मैंने? मखाना खजूर। आपको पसंद है? बहुत। अभी क्या बोल रही थी? भेलपूरी। भेलपूरी बहुत हेल्दी होता है ना। और नहीं तो क्या, मुरमुरे ही होते हैं। गोलू देख रहा है यहाँ पे, ये फिल्टर लगा रखे है या नहीं? नहीं नहीं, फिल्टर नहीं। फिल्टर नहीं लगाती बेटा, फिल्टर नहीं लगाती। मैंने पूरा परमानेंट सेटअप कर लिया, अगर मेरी रिकॉर्डिंग होगी तो मैं अच्छा लगूंगा। लाइट लगा ली है। ये बात तो है, ये देखो गोलू चमक रहा है इसीलिए। ओहो चलो ठीक है, अगर मैं गाना भी गाया करूंगा तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। खाओ और बताओ कि कैसा लग रहा है, उसके बाद देखती हूँ भेलपूरी का जुगाड़। ठीक है ठीक है, जल्दी खाओ। पूरी में मिठाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, मिठाइयों का जो तारीफ सुना ना बच्चों ने, तो बोला कि हमें भी मिठाई खिलाओ। तो ये देखिए आ गया है रसगुल्ला। चलते हैं रसगुल्ला देने, ऑन डिमांड। किसकी डिमांड? ऑन मुन्नू की डिमांड। मुन्नू ये देखो, वाह रे वाह, चले रसगुल्ला खाते हैं। एक सेकंड फोटो। इतना बोला समोसा, नहीं इतना बोला रसगुल्ला। समोसा तो मुझे खाना था।
नाना को हमने किया परेशान, नाना जी लेके आ गए। और समोसे के लिए तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं ना, चलो आप लोग खाओ, किसी भी दांत में घुसा लेते। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बोलो। चाय नहीं पीने देते मुझे। चाय कोई नहीं पीता है घर में, तो आपको आप भी नहीं पियोगे ना। चाय से एलर्जी हो गई। कोई नहीं, खाते रसगुल्ले। सही बात है। और क्या पढ़ रही है लड़की? इंग्लिश। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। पढ़ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ। गोलू को दिखाओ। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने सोचा है कि गोलू को देख देख के ना मुझे लगता रहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने शुरू किया आपसे, अब मैं भी पढ़ूंगी। बहुत अच्छा डिसीजन। पहले मैं भी पढ़ती थी इसी बेड पे बैठे बैठे, वो वहाँ बैठे बैठे पढ़ता था पहले भी, तो इसको भी कंपनी दूंगी मैं, ताकि आज वर्क फ्रॉम होम खत्म। आपका वर्क फ्रॉम होम हो चुका ना, अब तो शाम हो रही है, 7:30 बज रहे हैं। अच्छा वही तो है ना, तो खाते पीते हैं फिर पढ़ेंगे। तो अभी मैं आज मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। शाम हो चुकी है, शाम और आ गए अंकल जी, तो बना लेती हूँ मैं चाय, बना लेती हूँ मैं चाय। अंकल जी आ चुके हैं तो चाय की फरमाइश है, थोड़ा सा नाश्ता दिया है, उसके बाद चाय पियेंगे सभी। और यहाँ पर बन चुकी है चाय, चाय के साथ है ये ग्लूकोन डी। दीदी बिल्कुल भी पानी नहीं पीती है इसको, ये नया हमने इन्वेंशन किया है कि थोड़ा सा ग्लूकोज मिला के पानी इसको पिलाया जाए, तो इसीलिए इसके लिए पहले ग्लूकोज पानी फिर चाय, थोड़ी सी चाय दूंगी उसे। यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है, मैंने 5-4 पड़े हुए थे छोटे छोटे, और दो आलू डाल के ना उसे पहले बॉईल किया, बॉईल करके सारा पानी फेंक दिया। एक बात बताऊँ, हम जैसे वीवा मेयोनीज का ऐड कर रहे हो, देखो ना कैसे सजा रखे, और आफ्टरनून में यहाँ था गैस के पीछे। उसको खाली करना है, जब से कल से आई कुछ ना कुछ खाली करके इसमें। और मैं ना पहले चेंज करती हूँ, नहीं तो ये वाइट हाँ ठीक ओके ओके ओके। इसके बाद वीडियो हमारी कंटिन्यू नहीं रही क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करके जाइए, शेयर करिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।